हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रिंटर टेक्नोलॉजी में। फ्रेंड्स, यदि आपके प्रिंटर में इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है, यानी जब भी आप फोटोकॉपी करते हैं या कोई प्रिंट मारते हैं तो इस तरह से कोने पर आपका पेपर मुड़ जाता है और वहां पीछे जो है पूरा ब्लैक ब्लैक करके पूरा इस तरह से लग जा रहा है यदि आपके पेपर में, और हर पेपर के साथ ऐसा हो रहा है आप, और यही चीज़ आप फोटो पेपर के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो है आपका पेपर जो है यहाँ पे आके इस तरह से फंस जाता है। ये पहले दूसरे खूंटी में जो है जाके अच्छी तरह से फंस जाता है और पेपर नहीं खींच पाता है, और कभी कभी खींच रहता है, कभी कभी जाके फंस जाता है। तो फ्रेंड्स, आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ज़्यादा देर न करते चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इस प्रॉब्लम का सलूशन। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, हमारा प्रिंटर है और सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझते हैं कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली आ कहाँ से रही है। तो ये आप दोनों स्क्रू खोलेंगे जो ऊपर जाली लगा हुआ है, प्रिंटर के ऊपर जो जाली लगा है यहाँ पे, ये दोनों स्क्रू आपको खोलना है। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आप इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे तभी आप जो है इसको रिपेयर कर पाएंगे। तो इस तरह से जाली हमने निकाल दिया, अब प्रॉब्लम मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ होता है। देखिए, ये जो है इधर पूरा प्लास्टिक कट के जो है नीचे घिस गया है पूरा, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इधर गैप है और दूसरे साइड में देखिए पूरा प्लास्टिक के साथ कट जो है इस साइड में जो है ये गियर जो है पूरी तरह से ये रगड़ के पूरा जो रोलर है वो काट दिया है। मैं आपको एक हेड केबल इसमें घुसा के दिखाता हूँ। देखिए, इधर आसानी से जो है मूव कर रहा है हेड केबल, और थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद जो है ये और टाइट हो गया। थोड़ा सा मैं प्रेस करके इसको खींचता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हेड केबल अब इससे आगे नहीं खिसक रहा है, मतलब इसमें अब इसके आगे थोड़ा सा भी गैप अब बचा नहीं हुआ है। इस तरह से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, इधर एकदम पूरी तरह से एकदम पूरा जो इसमें थोड़ी सी गैप होनी चाहिए, यानी ये पूरी तरह से एक साइड में बॉडी जो है आपका पूरा नीचे साइड में ये रोलर जो है धस गया है और दूसरे साइड में आपका रोलर उठा हुआ है। तो मेन प्रॉब्लम फ्रेंड्स यही होता है कि एक साइड में आपका बॉडी जो है पूरी तरह से धंस जाता है, यानी एक तरह से बॉडी आपकी कट गई है और ये रोलर जो होता है ये एक तरफ ऊपर हो जाता है, दूसरे साइड में नीचे हो जाता है। तो जिस साइड में ऊपर है वो तो सही है और जिस साइड में नीचे है यही आपका मेन प्रॉब्लम होता है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए हम सबसे पहले पैनल इसका खोल लेते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा तभी इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाएंगे। इस तरह के प्रॉब्लम में फ्रेंड्स आपको अक्सर जो प्रिंटर बनाता है वो ये कहेगा कि आप बॉडी चेंज कर लीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमको करना क्या है कि ये सारे स्क्रू आपको खोलने हैं, ये कैप निकालना है जो एलडी गियर का कैप होता है इसको निकालना है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे स्क्रू खोलने हैं जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर मोटर के नीचे यहाँ पर इस गियर के पास जो है एक स्क्रू होता है, इस साइड में मोटर के पास जो है एक स्क्रू होता है, दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से देख लीजिएगा फ्रेंड्स, बाद में प्रॉब्लम नहीं आए आपको। इस साइड में और इस साइड में देखिए यहाँ पे जो है ये यहाँ पे स्क्रू है, इसको पहले निकालेंगे उसके बाद स्क्रू निकलेगा, और यहाँ पे देखिए स्क्रू है, और ये सेंसर में भी देखिए यहाँ स्क्रू लगा होता है, इस सेंसर खोलेंगे तभी आपका निकलेगा, और इसका जो गोल वाली चक्री होती है इसके अंदर भी जो है स्क्रू लगा होता है, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। दोस्तों, साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा के उसमें आल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। वैसे तो फ्रेंड्स स्क्रू आपको ये देखिए सामने दिख ही रहा होगा लेकिन फिलहाल मैं निकाल दे रहा हूँ इसको। ये देखिए यहाँ पर स्क्रू लगा हुआ है, इस स्क्रू को भी आप खोलेंगे, और यहाँ पर सेंसर वाला जो मैं पहले बता चुका हूँ कि इसको भी खोलना है आपको, यह वाली, और कार्ड के पीछे जो लगा होता है सबसे नीचे वाला स्क्रू, ये वाली स्क्रू आपको, ये सारे स्क्रू खोल लेने हैं, और खोलने के बाद जो है आपको इसको निकालना है। ये स्प्रिंग भी आपको निकालनी है, इस स्प्रिंग को निकालने के लिए आप जो है पहले दिखा देते हैं अच्छी तरह से आपको ये स्प्रिंग कहाँ पर है, ये देख पा रहे होंगे आप, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग आपके इस बॉडी से अटैच होता है, ये कुछ काम नहीं करता, ये केवल ग्राउंड को नीचे से ऊपर करता है, और इस तरह से जो है ये देखिए इसको आप इस तरह से निकाल दीजिएगा, और उसके बाद सारा स्क्रू आप खोल लीजिएगा। तो चलिए हम खोल लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो में आगे मिलते हैं।
इसको खोलने के बाद फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको पूरी तरह से डिसेंबल कर दिया है। मैंने पैनल भी निकाल दिया क्योंकि ये पूरा जो बॉडी है इसको पूरा वॉश करना है, और वॉश करने के बाद जो है हम इसको फिर से रीअसेंबल करेंगे। लेकिन आपको करना क्या है कि पहले ये मोटर पे जो एक बेल्ट टाइमिंग बेल्ट लगा था इसको भी आपको निकाल देना है, और इससे जो है ये गियर आपका फ्री हो जाता है। तो इसके लिए पहले आप इसको ऊपर उठाएंगे, ऊपर उठाने के बाद जो है इसको पीछे खींच के इस गियर को भी आगे की साइड में पुश करेंगे। इस गियर को इस साइड आपको जो है लेफ्ट हैंड से खींचेंगे, ये गियर आपका बाहर निकल जाएगा। अब इस गियर को भी हम निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है यही मेन प्रॉब्लम होता है कि एक साइड में जो है पूरी बॉडी कट जाती है यहाँ पे, तो जिसके वजह से इस साइड में जो है रोलर आपका नीचे चला जाता है और उस साइड में आपका रोलर उठा रहता है। तो इस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक इंजेक्शन की। मैं दिखा देता हूँ आपको, जो सिरिंज आपका जो सुई लगता है उस सिरिंज की ज़रूरत पड़ेगी। और ध्यान रखिएगा कि ये जो रोलर है इसी साइज़ का लगभग ये सिरिंज होना चाहिए, और इससे ज़्यादा मोटा रहेगा तो ठीक से बैठेगा नहीं। तो इसको कट कर लेना है आपको, एक बहुत हल्का सा टुकड़ा आपको काट के निकाल लेना है। चलिए मैं पहले काट के निकाल लेता हूँ। तो देखिए हमने काट के निकाल लिया है, इतना बड़ा टुकड़ा आपको रखना है, और इसको रख के इस पर जो है आप पहले चेक कर लेंगे। यहाँ पे आपको रखना है, अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर लीजिएगा फ्रेंड्स। इस प्रिंटर को मुझे पूरा वॉश करना है, उसके बाद मैं इसको असेंबल करूँगा, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं ये कर देता हूँ। आपको देखिए यहाँ पर रखना है इस तरह से, और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ से जो है ये इतना साइड जो है इससे ऊपर आपका ये नहीं होना चाहिए। यदि आपका बड़ा है तो इसको कट कर लीजिएगा, नहीं तो ये रोलर को जो है घुमाने में दिक्कत करेगा और आपका रोलर इसमें जाके फंस जाएगा। तो ज़्यादा बड़ा मत रखिएगा, बस आपको नीचे की बॉडी थोड़ी सी कवर करनी है ताकि रोलर जो है आपका ऊपर आ जाए। देखिए इतनी बड़ी साइज़ जो है, इस तरह से ये साइज़ आपकी फिट है। और इस तरह से रखने के बाद जो है आप एक काम कर लीजिएगा कि इसमें रोलर डाल के, रोलर मतलब लगा के, और इसमें एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि ये अच्छी तरह से रोलर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, ये आप चेक कर लीजिएगा। इस तरह से फ्रेंड्स मैं रोलर लगा के आपको दिखाता हूँ। देखिए इस तरह से फ्रेंड्स इसको अच्छी तरह से आप लगा के देख लीजिएगा, ये रोलर जो है अच्छी तरह से इसमें घूमना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो ये जाम हो जाएगा, तो आपका काम नहीं करेगा। और ऊपर देखिएगा हल्का सा गैप आपका रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपने जो पेपर मुड़ने वाली प्रॉब्लम को है उसको सॉल्व कर सकते हैं, और इसको फेविक्विक से या किसी और हार्ड मटेरियल से आप इसको जोड़ सकते हैं। अभी देखिए जो गैप है, ये गैप जो है यहाँ से वहाँ तक आपका एकदम पूरी तरह से सही हो गया है। तो फ्रेंड्स इसको अब जो है इसको आप देख लीजिएगा, जब आपका गैप बराबर हो जाए तो राड को निकाल के इसको जो है फेविक्विक से चिपकाइएगा। लेकिन फेविक्विक से चिपकाने से पहले जो इसमें जो प्लास्टिक आप डालते हैं उसके पीछे भी थोड़ा सा खुरदुरा कर दीजिएगा, और नीचे जहां बॉडी पे चिपकाना है वहां भी जो है थोड़ा सा खुरदुरापन कर दीजिएगा, ताकि जो है फेविक्विक या कोई भी आप चिपकाइएगा तो वो अच्छे से वो कवर कर लेगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन दबाकर उसमें ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा।